नमस्कार, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी ट्रिपल एट। देखिए, मैं वो अपने हिसाब से मैं अच्छे ही बनाता हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। दूसरा, वीडियो आप कंप्लीट देखें, थोड़ा इंतजार कीजिए, तैयारी बना करके रखिए, आगे चल के बहुत ही डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपको कितना कुछ आता है। रहे हैं कि किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको जो है पूरी देखनी बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, आप सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएँ तथा लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य करें। आप लोगों के प्रमोट करने की वजह से यह चैनल अपने बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर जा रहा है और निरंतर यह आगे बढ़ रहा है। आप लोगों के सहयोग से ही यह सब इस चैनल को प्राप्त हो रहा है। तो अगर आप इस चैनल को और भी ज़्यादा अच्छा सहयोग देना चाहते हैं तो लाइक कमेंट शेयर नहीं रुकने चाहिए, ये करते रहिए और नए सब्सक्राइबर जो हैं वो जुड़ते रहने चाहिए। तो जिससे जो है के प्रकट होने की वजह से ये तीनों नाम जो है हरियाणा क्षेत्र को दिए गए थे, तो इसलिए इसका उत्तर है ये सही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। देखिए, नंबर दो है, प्रश्न नंबर दो, हरियाणा में उपमंडल कितने हैं? उपमंडल क्या होता है? एक तो होता है मंडल और एक होते उपमंडल। देखिए, मंडल और उपमंडल के अंदर इतना है कि मंडल में डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे डिपार्टमेंट अफसर जो है वो आकर के बैठते हैं ऑफिस में, और जो उपमंडल है उसमें एसडीएम लेवल तक का ही जो कर्म अधिकारी हैं वो बैठते हैं और अपना कार्य संभालते हैं। तो उपमंडल मंडल में ये अंतर है। तो हरियाणा में कुल कितने उपमंडल हैं? 87 यानी 87, 58, 58, 84, 84, ये 71, ये कहता है। तो इनमें से कौन सा जवाब सही है? उनमें से 71 की 71 उपमंडल है हरियाणा में, यह जवाब सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? हरियाणा का पहला राज्यपाल, हरियाणा बना कब? 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को ही जो है आपकी क्या बनी थी, एक पार्टी बनी थी, कौन सी थी? तृणमूल जी नहीं, शिवसेना। क्या थी? शिवसेना, शिवसेना ये पार्टी बनी थी। तो 1966 में जब हरियाणा बना था तो उस समय हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? राव वीरेंद्र। ये तो अब है तो नहीं, ये अक्सर भजनलाल मुख्यमंत्री रहे हैं, ये राज्यपाल नहीं रहे। धर्मवीर को धर्मवीरा भी बोल देते हैं, तो धर्मवीर का राइट आंसर है कुलदीप बिश्नोई, नहीं माना जाएगा क्योंकि कुलदीप राज्यपाल कभी नहीं रहा। तो धर्मवीर जो है ये भारत हरियाणा के, ये हरियाणा के पहले राज्यपाल रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला तो सिरसा है, और अब जो है क्षेत्रफल की ही दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है? इनमें से पंचकूला नहीं है, फरीदाबाद यही है, चरखी दादरी नहीं है, ये नहीं है ना। तो फरीदाबाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। और इससे पहले वाले वीडियो में भी एक प्रश्न आया था कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला वो किस में है ना, सस्पेंस था ना, तो वो जनसंख्या के हिसाब से था। तो जनसंख्या के मामले में हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकूला, और क्षेत्रफल के मामले में हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। कौन सा बात? फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, हरियाणा की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरियाणा की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऐसा जिला कौन सा है जिसके अंदर जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो वो है पंचकूला नहीं है, सबसे छोटी जनसंख्या निवास करती है हिसार ये नहीं है, इन दोनों में तेज है, ये
ये भी नहीं है। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 जो है यह हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई। जो आज भिवानी में हरियाणा शिक्षा बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई ये पूछा जा रहा है और कहाँ हुई ये भी पूछा जा रहा है। तो कहाँ हुई, तो सबसे पहले तो ये है चंडीगढ़ में। और फिर इसके बाद ये कब हुई, ये हुई 1969 में। उन्नीस सौ उनहत्तर में चंडीगढ़ में हरियाणा की ये शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी और इसको 1971-72 में जो है भिवानी ले आए थे, भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया था। 1971-72 में इसको भिवानी में ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा में रागिनी के जन्मदाता कौन है। हरियाणा में जो रागिनी है ना उसके जन्मदाता कौन है, उसके जन्मदाता है किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट जो है हरियाणा में रागिनी के जन्मदाता है। ये यूपी से आकर के हरियाणा में रागिनी को जन्म देते हैं, रागिनी को विकसित करते हैं। ठीक है, फिर है हरियाणवी बोली की अब तक सुप्रसिद्ध फिल्म कौन सी है। हरियाणवी बोली की अब तक की सुप्रसिद्ध फिल्म है 1984 में बनी चंद्रावर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चंद्रावर। इस तरह जो है हमारा HSC बोर्ड कई दफा करता है ऐसी मिस्टेक जानबूझ करके। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। हरियाणा का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है KUK। ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो वो है भिवानी, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है भिवानी को। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद मैं एक प्रश्न पूछूंगा। तो वो है, हरियाणा का सबसे बाद में कौन सा जिला बना था। सबसे बाद में स्टडी 888 जहाँ का स्टडी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस शहर को जो है हम कहेंगे कि यह सबसे बाद में बना और वो है चरखी दादरी। सबसे बाद में बना कब बना, 2016 चरखी दादरी सबसे बाद में जिला बना 2016 में। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है। तो ये प्रश्न आपको दिया जा रहा है कि हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कल तक मुझे दीजिए। और जो कल मैंने प्रश्न पूछा था, इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था कि हिसार नगर की स्थापना किसने की थी, तो हिसार नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, तो इसका जवाब भी आप जल्द से जल्द मुझे कमेंट में भेजिए ताकि मैं देख सकूँ कि कितने स्टूडेंट जो हैं इसका जवाब जानते हैं। सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर और कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।